नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, जालौन। जालौन कोनी नगर मोहल्ला सुभाष नगर सहरा निवासी जितेंद्र पटेल का 13 वर्षीय पुत्र आदर्श पटेल, जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडी में कक्षा 7 का छात्र है, आज सुबह 7 बजे कोचिंग के लिए घर से निकला छात्र लापता हो गया। परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदा की तहरीर दी। कोतवाली निरीक्षक इमरान खान ने स्वैट टीम की मदद से लापता बालक को एट में सकुशल बरामद कर लिया। आप सुबह किस टाइम पे निकले हैं घर से? 7:40 पर। काहे के लिए? ट्यूशन पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद आप कहाँ चले गए? अड्डा में बैठ कर एट। क्यों चले गए? एग्जाम था, एग्जाम ना देने के लिए। एग्जाम आपको क्या आता नहीं है क्या? पढ़ाई आती नहीं है क्या? जी आती है, संस्कृत, मतलब संस्कृत पढ़ना नहीं आता, सीखना नहीं आता। कमज़ोर है आप संस्कृत में? अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पहुँच। कितने पढ़ते हैं आप? 7th में। फिर आप 8 पहुँचे तो किस साधन से गए थे यहाँ से? यहाँ से गए थे अद्धा से। अद्धा से तो वहाँ पर आपको कौन मिला 8 में? वहाँ पर पुलिस प्रशासन मामा के साथ थी। अच्छा, आप पुलिस के साथ में आए और मामा जी के लड़के के साथ में आए कौन? हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अब माँ बाप के साथ आराम से घर रहोगे? हाँ। पढ़ाई भी करोगे? हाँ। सुबह बच्चा जो ट्यूशन पे गया था वहाँ से पता ट्यूशन पे नहीं पहुँचा, पता चला। बच्चे का क्या नाम है? आदर्श कुमार। फिर ये मिले कहाँ? 8 स्टेशन पे। अच्छा अच्छा, किसको मिले ये? वो विवेक को, विवेक ठाकुर और अंकित पटेल। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने अपना यहाँ काम कर रही थी, फुटेज वगैरह मैं देख रही थी, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में थोड़े फुटेज में दिखी थी जी। वहाँ आगे चल के देखना चाहती थी, वहाँ कुछ कैमरा मिला नहीं। पुलिस ने मदद की आपकी? मदद की पुलिस ने। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।